गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक बुक अ पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होती है? एक बड़ी वैल्यू में से एक छोटी संख्या को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सीख रहे थे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सी डब्ल्यू लगाना है, फिर ये चैप्टर की हेडिंग, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लगा के आज की डेट होनी चाहिए, सी डब्ल्यू होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए थे, उससे आगे बढ़ते हुए करते हैं आज अपन। तो आज का जो एक क्वेश्चन है O for ones, T for tens, subtraction में आपके पास में 6052, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, यहां कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 के सामने आप क्या बनाओगे, 6 लाइन। कितनी लाइन बनाओगे, 6 लाइन। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो जीरो के सामने क्या आप बनाओगे लाइन, नहीं बनानी है लाइन, ठीक है, लाइनें नहीं बनानी है आपको, क्या करनी है, लाइनें काटनी है। क्या करनी है, लाइनें काटनी है। तो काटते हैं, जीरो लाइन काटनी है, जीरो का मतलब कोई भी लाइन नहीं काटनी है, कोई भी लाइन नहीं काटेंगे तो कितनी लाइनें रहेगी, जो है वही रहेगी 6 की 6, ठीक है, ये 6 की 6। फिर देखो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये खत्म हो गया तो इसकी लाइनें भी इरेज कर देंगे, तो ये इरेज कर दी मैंने। अब देखो यहां कितना लिखा है, 5, तो मैं कितनी लाइनें बनाऊंगा, 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन, ठीक है। यहां लिखा है मेरा 2, तो मैं कितनी लाइनें बनाऊंगा, 2 लाइनें नहीं बनाऊंगा, एडिशन थोड़ी है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो नीचे कितनी है, लाइन नहीं बनाते हैं नीचे वाली, नीचे लिखे है 2, तो 2 लाइनों को क्या करा आपको, काटना है, दोनों लाइनें काट दी मैंने, तो पीछे कितनी ऐसे कितनी लाइनें बची है जो कटी हुई नहीं है, कितनी लाइनें है, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। जैसे मान लो मैं सुबह 6 चौक लेके आया और मैंने एक भी चौक यूज नहीं की, तो मेरे पास एक भी चौक ना खत्म हुई ना मैंने यूज की, तो कितनी चौक बची, वही 6 ही बची, ठीक है। मेरे पास में 5 चॉकलेट थी, 2 चॉकलेट में खा गया, ठीक है। अब मेरे पास में कितनी चॉकलेट्स बची है, 3, 5 थी पहले कितनी थी, 5, 2 मैंने खा ली, कितनी बची, 3, ठीक है। ये तो हो गई सब्ट्रैक्शन। अब आपने सब्ट्रैक्शन किन नंबर का किया वो भी तो आपको आना चाहिए, 5 6। देखो वंस का मतलब होता है एक, ऐसे ऐसे कितने एक है, वंस है, देखो वंस किससे बना हुआ है, ये वंस क्या होता है, वन होता है, ये वन में एस लगा हुआ होता है, इससे बना है वंस, ठीक है। एक, वन का मतलब एक, और बहुत सारे एक होते हैं उसमें तो एस लग जाता है, वंस, ठीक है। ये 10 10, और खूब सारे 10 है, यहाँ एक थोड़ी है, तो खूब सारे 10, इसीलिए 10s, ठीक है। तो वंस और 10s का आपको समझ में आया होगा, वंस का मतलब होता है एक और 10s का मतलब 10। तो ऐसे ऐसे कितने 10 है, 5 10 5 10 से कितना होता है, ये 5 10 10 20 30 40 50 50 और 6 56। तो पूरा हमेशा ये दोनों क्या होता है, एक साथ रीड होता है। तो 5 6 56 20 20 3 6 36, यानी आपने किस नंबर में से सब्ट्रैक्शन किया है, आपने 5 6 56 में से 20 20 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर क्या आया, 3 0 3 6 36। भी लेते हैं, O for ones, T for tens,
अब देखो हम कितनी लाइनें बनाएंगे, हम लाइन बनाएंगे 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 में से हमें कितनी लाइनों को काटना है, जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम कितनी लाइनें कट करेंगे, 4 लाइन कट करेंगे। कितनी लाइनें, 4 लाइन कट करेंगे। तो 4 लाइन कट करते हैं हम, 7 में से 4 लाइन कट करेंगे, तो 1 2 3 4। तो पीछे कितनी लाइनें बची है, 1 2 3, कितनी लाइनें बची है, 3। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देंगे। अब हमें कितनी लाइनें बनानी है, 6 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 बना ली। अब इसमें से हमें कितनी लाइनें काटनी है, 4 लाइनें काटनी है, काट दो आप, 1 2 3 4। कितनी लाइनें आपके पास में बची है जो बिना कटी हुई है, जिसको काटा नहीं गया है, वो ऐसी कितनी लाइनें है, 2 लाइनें। और अब आप क्या करो, इसको इरेज कर दो। और आप एक चीज और, अब आपको रीड भी तो करना आना चाहिए। मैंने बोला था 6 7 कितना होता है, 67, 6 7 67, 4 4 44, 2 3 23। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग भी आनी चाहिए। अब आप क्या करो, आराम से इसको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से कॉपी करो आप। अच्छी अच्छी राइटिंग में आप कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब तो कर लिया होगा आपने, सी है, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस, देखो हमें कितनी लाइनें बनानी है, 0 लाइन बनानी है। 0 लाइन का मतलब, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं होता। तो मैं क्या लाइन बनाऊं यहाँ पे, 0 लाइन बनाऊं, 0 का मतलब मुझे लाइन बनानी ही नहीं है। ठीक है, बनाई नहीं नहीं है। फिर नीचे कितना लिखा हुआ है, 0, यानी कितनी लाइनें काटनी है मुझे, कोई लाइन नहीं काटनी है, 0 लाइन काटनी है। इट मीन्स मुझे लाइन भी नहीं बनानी है, लाइन भी नहीं काटनी है। तो क्या बचा, जब लाइन ही नहीं बनाई ना लाइन काटी, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं को मैथ्स में क्या कहते हैं, 0। तो वापस क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, कहां, यहां पे 0 लिखेंगे। तो समझ में आया, जब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होता तो 0 ही आता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लाइन बना दी, क्योंकि यहां 7 लिखा हुआ है। अब मैं 7 में से कितनी लाइनें कट करूंगा, 5 लाइन, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब 5 लाइनें कट हो गई तो पीछे क्या बचा, क्या बचा, 2। ठीक है, तो ये आपका 1 कम हुआ, खत्म हुआ। डी लेते हैं, O for ones, T for tens, इसमें आपके पास में, ठीक है। अब आपको लाइनें कितनी बनानी है, 5 लाइन्स बनानी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लाइन बना दी। अब आपको लाइनें कितनी काटनी है, 5 ही काटनी है, तो 1 2 3 4 5,
फाइव लाइन बनाई, फाइव ही काट दी। अब बताओ बस कोई लाइन बची है क्या ऐसी जो बिना कटी हुई है? ऐसी कोई लाइन नहीं बची। जब कुछ नहीं बचता है तो वहां क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लाइंस को इरेज करेंगे और अब कितनी लाइनें बनाऊं? वन टू थ्री, थ्री में से कितनी लाइनें को कट करूं? टू लाइन, वन टू, कितनी लाइन बची? वन लाइन। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, देखो ये था 7070 में से 5050 माइनस किया तो मेरा 2020 आंसर आया। यहाँ पे मैंने 3535 में से 2525 को लेस किया, सब्ट्रैक्ट किया, घटाया तो क्या आया? 1010। ठीक है, अब आप इसको अच्छी राइटिंग से कॉपी करें अपनी नोटबुक में। तो आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे होमवर्क की तरफ। होमवर्क करेंगे हम, तो आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क में करना है, बहुत आसान क्वेश्चन दिए, अच्छी राइटिंग से करना है। दोबारा ये बॉक्स मत बनाना क्योंकि आपकी नोटबुक बॉक्स वाली है, तो दोबारा से बॉक्स आप ना बनाएं। ठीक है, और अच्छे से काम करें और आप अपनी डेट हमेशा डालें, डेट और CW डालें हमेशा। आज अब काम कर रहे हैं तो आज आप अब आज की डेट डालें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।